कि मियाँ मेरा यहाँ पे नहीं था, और रात को जो है ना 6 बजे मेरे घर में घुसे, उसमें जो है ना इन्होंने आके ना मेरे कान पट्टी पे मोबाइल वो रख दिया, पिस्तल रख दिया, तो जो है ना इन्होंने मेरे बेटे को भी गन पॉइंट पे साइड पे कर लिया। उन्होंने कहा तेरे बेटे को मार देंगे। दो बंदे मेरे साथ ज्यादती करते रहे, एक कैसर और उसके साथ तहर दस्ती था, उसके बाद उसका जो है ना इन दोनों को मैंने पहचान लिया क्योंकि ये हमारे मोहल्ले के थे, और दूसरे मेरे घर में घुस के सामान उठाते रहे, जो कुछ हमारे घर में था, पैसे थे, सामान था, जो हाथ का सामान था सब ले गया। हमें सिर्फ दुख है पुलिस वालों ने हमारी कोई भी नहीं सुनी, हम पुलिस वालों के पास भागते रहे 87 पे काले की, वहां से काले आई तो इन्होंने कहा कि जो है ना वो जो है ना झूठा वकूआ है, इन्होंने जो है हमें झूठा करार दे के हमें भगा दिया। पुलिस वालों ने कहा कि हम आपके ऊपर आप जो है ना वो करेंगे, केस करेंगे, अगर तू इधर आई तो हम आपको बंद कर देंगे, आपके ऊपर झूठा कत्ल का पर्चा डाल के तुझे बंद कर देंगे। इकबाल ने कहा ये सही नहीं। हम फिर जो है ना वहां से डरते हुए अपने बच्चों को लेके, इन्होंने हमें धमकियां दी कि आप जो है ना जो आपके साथ बेटा, एक बेटी है और एक बेटा है, उठा लेंगे बेटी उठा लेंगे और तेरे बेटे के इतने टुकड़े करेंगे कि तुझे तू गिनती मर जाएगी। मैं डर के मारे आप ये बताए, पहले तो आप अपना तारुफ कराए, आपका नाम क्या है और ये बकुआ कहाँ हुआ है, इलाके का नाम बताए। मेरा नाम तहरा बतूल है, हमने चनाब टाउन में मकान लिया हुआ था किराए पे, तो जो है ना वहाँ पे इन्होंने मेरे घर घुसे, इन्होंने मेरे साथ ज्यादती भी की और मेरा घर का सामान भी उठाया। मुझे सामान की कोई दुख नहीं है, मेरी इज्जत इन्होंने खराब की है, मुझे इंसाफ चाहिए। अच्छा, ये आपका थाना सिटी है आपका? थाना सिटी है, और उन्होंने हमें कहा कि जो है ना उन्होंने मुझे 50,000 दिया, तू हमें कितना दे सकती है? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए और इज्जत चाहिए बस। हमारे दो बच्चे मेरी बेटी जो है ना FSC कर रही है इधर कॉलेज में, हमने दाखिला लिया हुआ है, और मेरा बेटा जो है ना वो भी मैट्रिक में है, बस बहुत परेशान है, हमें जीने नहीं दे रहे, मुख्तलिफ हमारे ऊपर बातें ये वो।